भाई पिछले 4-5 दिनों से मैं यही उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि 14 अप्रैल तो शायद लास्ट डे होगा लॉकडाउन का और इसके बाद सब नॉर्मल रूटीन पे जा पाएंगे। मुझे करोल बाग जाना था, चांदनी चौक जाना था, लाजपत नगर जाना था, नेहरू प्लेस जाना था, आप लोगों के लिए नए व्लॉग्स बनाने थे। अब तो कॉन्सोल्स के नए प्राइजेस भी आ गए, पीसी कंपोनेंट्स के भी नए प्राइजेस आ गए, प्रोसेसर्स ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, लेकिन अब तो भाई उम्मीद ही खत्म होती जा रही है कि पता नहीं और 15-20 दिन के बाद शायद दोबारा से एक्सटेंड करना पड़ जाए जो सिचुएशन चल रही है इस समय। और मेरे तो यार घर वालों ने पता है गाड़ी की चाबियाँ, बाइक की चाबियाँ घर के बाहर तक नहीं जाने दे रहे यार, मुझे तो लिटरली मैं पागल हो चुका हूँ घर बैठे बैठे। कितनी गेम्स खेल लोगे यार, कितनी वीडियोस बना लोगे, आप लोग कैसे टाइम पास कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन फिलहाल इस समय शुरू करते हैं इस गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड नंबर 179 को, लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रेजिडेंट ईविल 3 रीमेक मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर आपको मेरा गेम प्ले देखना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा मेरे दूसरे चैनल इंडियन सोल्जर स्ट्रीम्स का लिंक। और यार बात यह है कि 10 दिन हो चुके हैं गेम को रिलीज हुए, पहले 5 दिनों की जो सेल्स फिगर है वो भी कैपकॉम ने रिलीज कर दी है और यहाँ पे 2 मिलियन कॉपीज कैपकॉम ने ऑनलाइन डिजिटल सेल्स के थ्रू बेच दी हैं। बाकी कह रहे हैं कि इसमें से 10% कॉपीज जो फिजिकल बिकी है पता नहीं कौन सी कंट्री में, हमारे यहाँ पे तो मिल नहीं रही। लेकिन रेजिडेंट ईविल 3 रीमेक के 10 दिन के लॉन्च के बाद अब एक्सबॉक्स वन एक्स यूजर्स के लिए आ रहा एक नया पैच। इसके अंदर प्रॉब्लम ये देखो, मैंने PS4 प्रो पे खेली तो इसके अंदर ज़ॉम्बीज लैग कर रहे हैं। अगर आप डिस्टेंट में देखोगे ना, मतलब थोड़ी सी दूर होंगे आपसे ज़ॉम्बीज, थोड़ी सी उनमें स्ट्रटरिंग आपको देखने को मिलेगी। और एक्सबॉक्स वन एक्स पे भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स फेस कर रहे हैं, तो कैपकॉम ने बोला है कि इसका पैच बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। शायद आप जब तक ये गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड देख रहे हो तो पैच आ चुका है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसी के बाद कैपकॉम की तरफ से दूसरी मेजर न्यूज़ ये है, अब यहाँ पे 2 नई गेम्स के ऊपर कैपकॉम रिपोर्टेडली काम कर रहा है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये लीक डेटा है। 2 गेम्स में से एक गेम है रेजिडेंट ईविल 8 जो कि सीरीज को आगे लेके जाएगी। रेजिडेंट ईविल 7 के बाद से कोई गेम नहीं आई है ऑफिशियली रेजिडेंट ईविल सीरीज में जो सीरीज को आगे लेके जाए। रेजिडेंट ईविल 2 और रेजिडेंट ईविल 3 ये दोनों ही रीमेक्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता है। लेकिन अब जो दूसरी गेम है वो है रेजिडेंट ईविल 7 जिसका रीमेक रिपोर्टेडली कंफर्म कर दिया है और ये गेम फॉल 2021 यानी कि 2021 के दिसंबर के आसपास तक रिलीज कर दी जाएगी। अब ये कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये नहीं पता, क्या प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 इंक्लूडेड होंगे या फिर टोटली नेक्स्ट जेन गेम होगी, लेट्स वेट एंड सी। दूसरी न्यूज आ रही है सकर पंच प्रोडक्शंस की तरफ से आने वाली नेक्स्ट गेम घोस्ट ऑफ सुशीमा को लेकर। और नहीं भाई मैं इसके डिले के बारे में बात नहीं करने वाला, होपफुली ये गेम 29 जून जो कि इसकी रिलीज डेट है उसी पे ही रिलीज हो। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इस गेम की नई डिटेल के बारे में, एक नई डिटेल सामने आई है घोस्ट ऑफ सुशीमा से रिलेटेड। देखो नॉर्मली गेम्स के अंदर होता क्या है कि आपको एक वे पॉइंट दिखता है, आपको एक चेक पॉइंट दिखता है जहां पे आपको जाना होता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। लेकिन बोला यह जा रहा है कि घोस्ट ऑफ सुशीमा के अंदर आपको कोई भी वे पॉइंट नहीं बताया जाएगा, कोई भी वे पॉइंट ना मैप पे ना आपकी स्क्रीन के ऊपर बताया जाएगा कि आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहां पे जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको खुद ही फिगर आउट करना है इंटरेक्शन के थ्रू कि भाई एक बंदा कहां जाने के लिए बोल रहा है, जो NPC होगा जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे होगे वो आपको बताएगा कि आपको इस टाउन में या इस जगह पे जाना है या इस घर में जाना है। आपको कोई मार्कर नहीं दिखाया जाएगा जिसके थ्रू आपको पता चले कि हाँ यार इस जगह पे जाना है आपको प्लेयर को लेकर। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो नहीं पता, लेकिन बोला ये भी जा रहा है कि ये सेटिंग सिर्फ नॉर्मल और हार्ड डिफिकल्टी में अवेलेबल होगी। ईजी मोड जो लगाएंगे उनके लिए वो मार्कर तब भी आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रीमर जो है वो इजी मोड खेल रहा है। तो पता नहीं इसके पीछे क्या पर्पस है, इस गेम को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए या फिर इस गेम का जो गेम प्ले टाइम है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, गॉड नोज। लेकिन अगर ऐसा होता है तो गेम शायद थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अब जो थर्ड न्यूज आ रही है वो आ रही है प्ले स्टेशन नेटवर्क के इश्यूज को लेकर। अगर आप घर पर बैठ के प्ले स्टेशन 4 को एंजॉय कर रहे हो, मल्टीप्लेयर गेम्स बेसिकली खेल रहे हो, तो हो सकता है आपको मैच मेकिंग वगैरह में दिक्कत आए। और ये सबको आ रही है, पूरे वर्ल्ड में इस समय प्ले स्टेशन नेटवर्क पर दिक्कत चल रही है और ऑब्वियसली सर्वर्स के ऊपर इतना स्ट्रेस है, सारे लोग एक साथ घुसे पड़े हैं गेम्स खेलने के, मल्टीप्लेयर मैचेस में खेलने के लिए फोर्टनाइट खेल रहे हैं सब, तो ये इश्यूज तो आने ही थे। तो अगर आप भी ये फेस कर रहे हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है कोई नया पैच आ जाए या फिर अपने आप ही इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। जब तक आप ये गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड देख रहे हो होपफुली ये इशू रिजॉल्व हो चुका होगा। अब जो लास्ट न्यूज़ आ रही है वो है GTA 6 से रिलेटेड और एक नई इमेज सामने आई है, GTA 6 की लीक्ड इमेज बोला जा रहा है इसको। और ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मुझे बताओगे आपको कितनी रियलिस्टिक लग रही है। देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वाइस सिटी की स्काईलाइन है, वाइस सिटी की स्काईलाइन से मतलब है कि जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये वाइस सिटी के अंदर का रीजन है कोई। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये GTA 5 का मॉड है। तो अगर आपने किसी ने भी GTA 5 में वाइस सिटी का मॉड डाला है या कभी भी ऐसा कुछ ट्राई करा है तो मुझे बताओ कि क्या ऐसी चीज या ऐसी जगह उसमें कहीं पे है या फिर ये डेफिनेटली GTA 6 की लीक्ड इमेज ही है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और गाइस दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना नीचे कि भाई लॉकडाउन को कैसे हैंडल कर रहे हो। मैं तो बावला हो चुका हूं, लिटरली कह रहा हूं घर बैठे बैठे मुझे मन कर रहा है कि चोरी छुपे कहीं पे चला जाऊं अपने किसी दोस्त वोस्त के घर, लेकिन यार वहां पे भी जाने का फायदा नहीं, रास्ते में पुलिस वाले डंडे पड़ जाएंगे। लेकिन तुम बोर मत होना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।
We'll be right back.